इधर ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिल रही है, जहां माफिया सरगना अतीक अहमद के एक और काले कारनामे का पर्दाफाश हो गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद ने सट्टा बाजार में अपने करोड़ों रुपए लगा रखे थे। दावा है कि इसके लिए वो सट्टा बाजार के कई बड़े कारोबारियों से भी जुड़ा हुआ था, जो उसके पैसे को सट्टा बाजार में लगाते थे और वापसी में मोटी रकम उसे दिया करते थे। यानी अतीक अहमद सट्टा बाजार का भी बड़ा खिलाड़ी था। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की जांच में अतीक के कुछ सट्टा कारोबारियों के साथ कनेक्शन के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने 5 सट्टा कारोबारियों को रडार पर ले लिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चला है कि अतीक का प्रयागराज के कुछ बड़े सट्टा कारोबारियों के साथ रिश्ता था। दावा है कि अतीक अपने अवैध वसूली के पैसों का इस्तेमाल सट्टा बाजार में करता था, यानी अतीक अपनी काली कमाई से करोड़ों रुपए का सट्टा खेलता था। कई बड़े सट्टा कारोबारी उसके संपर्क में थे, जो उसका पैसे का इस्तेमाल इस सट्टा बाजार में करते थे। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस उन सट्टा कारोबारियों के बारे में जानकारी जुटा रही है, जो अतीक के काले कारोबार में शामिल थे, ताकि उन पर भी लगाम लगाई जा सके और अतीक से जुड़े कई दूसरे राज के बारे में भी पूछताछ की जा सके। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसलिए अतीक की काली कमाई को सट्टा बाजार में लगाने वाले कारोबारियों की भी तलाश तेज कर दी गई। दावा है कि ये अतीक से मोटी रकम उठाकर उसे सट्टा बाजार में लगाते थे और बाद में अच्छी खासी कमाई कर पैसों की वापसी अतीक तक होती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसलिए पुलिस अब इन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। उधर महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा हुआ। एक 3 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर एनडीआरएफ की 4 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, अब तक 16 लोगों को बचाया गया। वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दुख जताया और टीडीआरएफ ने स्थानीय लोगों की मदद से इमारत के मलबे से कई बच्चों को सुरक्षित निकाला। घटनास्थल पर एनडीआरएफ की 4 टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी नजर आई। भिवंडी में हादसा एक 3 मंजिला इमारत के अचानक भरभराकर गिरने से हुआ, जिसमें 20 से ज्यादा लोग दब गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और मशीनों की मदद से मलबा हटाया। एनडीआरएफ ने डॉग स्क्वाड की भी मदद ली। और वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दुख जताया और मृतक के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। साथ ही सरकारी खर्च पर घायलों का इलाज कराने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि इमारत के नीचे गोदाम था, जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। अचानक पूरी बिल्डिंग गिरते ही वो मलबे के नीचे दब गए। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। सीएम शिंदे के निर्देश पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और अन्य बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। और इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें नशे में धुत एक शराबी 11,000 वोल्ट की लाइन पर चढ़ गया और काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। काफी देर वो तारों को पकड़कर बैठा रहा। इसके बाद उसने हाथों में तार पकड़कर स्टंट बाजी की। हालांकि गनीमत रही कि उस वक्त बिजली की सप्लाई बंद थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस बीच वहाँ मौजूद लोगों ने उसे उतारने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी और लगातार तारों पर झूलता नजर आया। हालांकि कुछ देर बाद सूचना पर बिजली विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतारा।